हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर स्टूडेंट्स ये जो वीडियो लेक्चर आपका ये आपका लास्ट वीडियो लेक्चर है एम चैप्टर का एंड अब वहाँ पर सब एक लास्ट टॉपिक रह गया दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स समझ लेते हैं वट इज़ ऑल अबाउट डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स देखिए डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है देखिए आपको अब आप तक अब तक हमने देखिए क्या पढ़ा था एम एल में एमएलके एल में देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा था जैसे मान लीजिए दो कंपनी है राइट ये कौन सी कंपनी है ओल्ड कंपनी है और ये न्यू कंपनी है न्यू कंपनी ने ओल्ड कंपनी को टेक ओवर कर लिया एंड टेक ओवर करने के बाद एक जो है परचेज कंसरेशन डिसाइड हो गया राइट अब ये अमाउंट ये मिलता किसको है ये मिलता है ओनर्स को मिलता है जो कि ओल्ड कंपनी में होते हैं दैट मीन्स ओनर कौन कौन हो गया चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर्स हो गए या फिर प्रेफरेंशियल होल्डर हो गए राइट लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जो इस डील से या इस स्कीम से वो खुश नहीं होते दैट मीन्स दे आर नॉट अग्रीड विद दोसिजर्स ऑफ दल के मिशन या ये कह सकते हो कि कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो एम एल के मिशन चाहते ही नहीं है वो बोलते हैं कि हमारे कंपनी को क्यों क्यों क्योंकि टेक ओवे करे और देखो सीधी सी बात आती है वो कौन है ऑनर्स हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं उनका पूरा राइट है लेकिन उन शेयर होल्डर्स का के साथ दिक्कत ये है कि वो की डिसीजन मेकिंग में वो किसी भी मीटिंग में नहीं बैठते राइट वो तो बैठते नहीं उसमें तो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर वही बैठते हैं वो तो बैठते नहीं इसमें और दूसरी बात जैसा मान लीजिए अगर किसी कंपनी के मान लीजिए एक करोड़ शेयर होल्डर हैं मान लीजिए मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक करोड़ शेयर होल्डर हैं जरूरी है कि एक करोड़ के एक करोड़ शेयर होल्डर ही जो वो इस अमल के मिशन स्कीम से वो डिसी हो देखिए वो बहुत ही नॉर्मल है कह सकते हो कह सकते हो कि वो दो परसेंट हो सकता है या मैक्स मैक्स टू कह सकते पांच परसेंट शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो इस स्कीम से वो अग्री होंगे दैट बाकी जो नाइनटी फाइव परसेंट होंगे वो तो अग्री हैं इस पे वो पच्चीस कंसेशन के अमाउंट से वो कुछ भी हैं राइट right? अब जो पांच परसेंट जो मना कर रहे हैं कि नहीं हमें ये अमल नहीं कराना हम नहीं चाहते राइट right? तो उसके लिए क्या करें और जो नहीं चाहते ना उसको बोलते हैं, हम आ, वैसे को हम बोल सकते हैं दो right? अब वो नहीं मान रहे तो क्या करें देखो सीधी सी बात है अब ये नहीं मान रहे आपको पता है इनकी माइनोरिटी है क्योंकि तो मैक्सिम दो, दो से पांच परसेंट में है हैं में तो आते नहीं है अब इनको तो बात तो इनको रखना ही पड़ेगा तो इनका क्या करें अब ये अमल कमीशन होने तो देंगे नहीं ठीक है तो अब इसका सीधा सीधा एक ही होता है कि इनका जजमेंट लेगा कौन कोर्ट ट्रिब्यूनल में जाएंगे और ट्रिब्यूनल में इनको मानना ही पड़ेगा इन शोल्डर्स को कि अमल कमीशन करें राइट और ट्रिब्यूनल में से जाने से पहले देखो हर कम्युनिटी सोचती है कि कोर्ट के क्यों चक्कर काटें इससे अच्छा है कि इनका सेटलमेंट हम पहले कर लें तो क्या करेंगे भाई सेटलमेंट करेंगे उनको हम भाई कैश दे देंगे राइट भाई किसी को मुंह बंद करना हो तो वैसे बात है उनके आगे बस हरी पत्ती दिखा दो काम खत्म तो, तो यही है तो जो शेल्डर्स हैं उनके आगे भाई कैश दो तो हो सकता है मान जाए वो जब कैश देंगे तो वो कैश देगा कौन उसके ऊपर अब क्वेश्चन आर होगा भाई या तो वो सेलर कंपनी देगी या तो फिर वो परचेजिंग कंपनी देगी

सेलर कंपनी के सारे एसेट्स और को टेक ओवर करेगी तो वही बोल सकती है कि हम जो है आपके लिए कैश हम छोड़ के जा रहे हैं कंपनी बोल सकती है कि चलो हम पचास हजार हम जो है आपका कैश टेक ओवर नहीं करना है हमने छोड़ दिया क्यों ताकि आप जो है उन डिसेंडिंग शेयर होल्डर की पेमेंट कर सको सो दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा फर्स्ट दैट मीन्स आउट ऑफ कैश रिटेन बाय द सेलर यानी कि सेलर के पास वो कैश छोड़ दिया ताकि वो जो है डिसेंडिंग शेडूलस की पेमेंट कर सके या तो फिर उसकी पेमेंट कौन करेगा कर वो पच्चीस कंसेशन खुद ही पे कर देगा बायर कंपनी को खुद ही पे कर देगी राइट तो ये दो केसेस हमें पढ़ने होंगे राइट देखिए वैसे तो इसके कुछ और भी नॉर्म्स हैं जो हमें पढ़ने होंगे बट मैं चाहूँगा कि उसके थियोरी से अच्छा मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देता हूँ उसके बाद हम इसके नॉर्म्स को गो थ्रू कर लेंगे तो उसकी आपकी और क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी राइट चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन एन के लिमिटेड इज दस के एलिटेड एज ऑन दैट डेट आपको ये बेलेंस हम इसे दस से दस देखिए एडिशन पर अच्छा याद रखना इस बार आपको ना यहाँ पर ये नॉन करेंट एसेट में शेयर शेयर इशू एक्सप्रेंस दिया हुआ एट्टी थाउजेंड का राइट <coughs> सेम आपको ये भी गिवन है

उसने के एल लिमिटेड के सारे एसेट्स को एंड लाइव को टेक ओवर कर लिया एक्सेप्ट कैश को नहीं किया क्यों ताकि जो सेलर कंपनी है वो अपने लिक्विडेशन के एक्सपेंस को वो पे कर सके प्लस वो डिंग शेयर होल्डर्स की भी पेमेंट कर सके राइट अब इसमें से लिक्विडेशन कितना है और डेसेंडिंग शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है वो हम आगे बढ़ेंगे आगे लिखा हुआ है दी परचेज प्राइस वाज टू बी डिस्चार्ज बाय द अलॉटमेंट टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी वन शेयर ऑफ़ रुपीज हंड्रेड रुपीज एट्टी पेड अप ऑफ एन के लिमिटेड फॉर एवरी टू शेयर इन के लिमिटेड क्या लिखा हुआ है परचेज कंपनी क्या बोल रही है कि परचेजिंग कंपनी बोल रही है कि हम ट्रांसफर कंपनी के ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं कितने शेयर होल्डर्स हैं पहले वो देख लें एक बार एक लाख शेयर होल्डर्स हैं और उसकी फेस वाली कितनी फिफ्टी टोटल अमाउंट हो गया फिफ्टी लैख यानी कि यहाँ पर ये एक लाख शील्डर्स की बात हो रही है कंपनी बोल रही है कि उनको हम पेमेंट करने चाह रहे हैं ऑफ एक शेयर के बदले हम जो है सॉरी हम जो है जिनके पास दो शेयर हैं हम उनको एक शेयर दे रहे हैं यानी कि कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है एक लाख शेयर इशू है वन बाई टू करेगी यानी कि कंपनी एक शेयर दे रही है फॉर एवरी हेल्ड इन फॉर एवरी टू शेयर हेल्ड इन सेलर कंपनी राइट एंड इसका पेडअप अमाउंट कहते हैं एट्टी लिक्विडेशन एक्सपेंस आपको गिवन है ट्वेंटी थाउजेंड तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा अमाउंट कितना कैश बचा के रखा था एक लाख का सैलरी कंपनी के पास कंपनी के पास कैश रखा था एक लाख का जिसमें से बीस हज़ार तो कंपनी रखी थी किस केस में लिक्विडेशन एक्सपेंस को पे करने के लिए बाकी एटी वो किसको पे करेगी डायसेंडिंग शेयर होल्डर्स को यानी जो शेयर होल्डर्स नारा, नाराज बैठे हैं उनको पेमेंट करने के लिए एट अस्सी हज़ार रुपये आगे लिखा हुआ है डायसेंडिंग शेयर होल्डर्स होल्डिंग वन थाउजेंड शेयर्स वर पेड एट्टी एट्टी पर से जो एक लाख शेयर से हैं सेलर कंपनी में उसमें से हज़ार शेयर होल्डर कौन से है? वो डसेंडिंग शेल्डर्स यानी जो नाराज हैं राइट right? और लिखा हुआ है उनको पे कर रहे हैं एट्टी रुपी के हिसाब से यानी कि उनको पेमेंट कितने किए जा रहे हैं एट्टी थाउजेंड तो दैट मीन्स आउट ऑफ वन लैख एट्टी थाउजेंड गोज टू शेयर होल्डर्स एंड ट्वेंटी थाउजेंड लिक्विडेशन एक्सपेंसेस राइट तो इसका मतलब अब ये वाली जो पेमेंट होगी ये वाली जो होगी वो एक लाख से नहीं होगी वो कितने से होगी वन लाख हो जाएगी यानी जो पच्चीस कंसीडरेशन अमाउंट होगा तो इसका मतलब जो पच्चीस कंसीडरेशन अमाउंट होगा वो कितना होगा वन लाख माइनस था। वन थाउजेंड वन लाख माइनस वन थाउजेंड और जो परचेजिंग कंपनी कितनी दे रही है एक शेयर दे रही है और उसका जो एंटायर अमाउंट पेड राइट ठीक है सोल्यूशन देखते हैं इसका अब पहले देख रहे हैं कैलकुलेशन पर लिखा हुआ देखिए यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ शेयर होल्डर शेयर होल्डर्स आर अग्री स्कीम ऑफ एमलगमेशन उनकी बात हो रही है टोटल शेयर होल्डर्स कितने थे एक लाख थे उसमें से जो नाराज शेयर होल्डर है वो हमने माइज कर दिए डायसेंडिंग शेल्डर्स ठीक है तो कितने बचे नाइन और उन नाइनटी नाइन थाउजेंड शेयर होल्डर्स को जो सेलर जो परचेसिंग कंपनी है वो कितने शेयर प्रोवाइड कर रही है एक शेयर दे रही है फॉर एवरी टू शेयर हेल्ड इन सेलर कंपनी राइट और कितने पेड़ पे दे, दे, रही? दे।, तो दे रही है एट्टी रुपीज के हिसाब से तो आपका परचेज अमाउंट कितना थर्टी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड राइट चलिए अब हम पढ़ रहे हैं दैट इन ऑफ के एल लिमिटेड ये कौन सी कंपनी है ये कंपनी है ट्रांसफर कंपनी के अकाउंट में हम कौन कौन से अकाउंट्स अकाउंट में अब देखें पहले बात कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट रियलाज़िशन में देखिए मैंने वही जो अब तक हम करते आए थे ये सारे के सारी एसेट्स लिखी है एट बुक वैल्यू राइट तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बीस लाख रुपए का लैंड बिल्डिंग प्लांटर मशीन पंद्रह लाख ट्रेड एटर ये मैंने लेस प्रोविजन करके कर लिखा हुआ है फोर्टीन लैख स्टॉक गिवन आपको ट्वेंटी फाइव लैख कैश गिविन आपको फोर लैख अच्छा यहाँ पर देखिए कैश आपको जो है कितना गिवन था फाइव लाख गिवन था मैंने फोर लाख लिखा है क्यों फोर लैख क्यों लिखा मैंने क्योंकि एक लाख तो उनको रिटेन रखना है ठीक है फिर कंपनी जो है बीस हज़ार रुपए की लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रही है तो यहाँ लिख दिया ट्रेड पेपल कितने हैं पंद्रह लाख और एन के लिमिटेड से कितना अमाउंट मिल रहा है पच्चीस कंसेशन के फॉर्मे थर्टी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे डेटर का अमाउंट बनाएंगे दैट इज़ एन के लिमिटेड अमाउंट तो ये अमाउंट मिलेगा यहाँ से और एक सारा का सारा पैसा किसको मिलेगा सिर्फ वो सिर्फ इक्विटी से होल्डर कौन से इक्विटी है की बिलिंग हुए खरी राइट याद रखना क्लास अगर मान लीजिए ये कौन सा केस है यहाँ पर ये वो केस है वैन कैश रिटेन्ड बाय ट्रांसफर कंपनी यानी ट्रांसफर कंपनी अगर कैश रिटर्न कर रही है फॉर द पेमेंट ऑफ द दी, डायसेंटिंग दी, शेयर होल्डर्स तो उस केस में जो परचेज कंसेडेशन अमाउंट आएगा वो आएगा एक्सक्लूडिंग डायसेंटिंग शेयर होल्डर्स भाई देखिए पर्चेज कंसरेशन में अमाउंट कौन सा आएगा जो कि परचेजिंग कंपनी सेलर कंपनी के शेयर होल्डर्स को पे करेगी राइट अब परचेजिंग कंपनी तो सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को कौन से शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर रही है

राइट right? अच्छा तो देखिए ये आपका जो अमाउंट है यहाँ पर यह कौन पेमेंट करेगा थर्टी लैख सिक्सटी थाउजेंड आ गया ये टैली हो गया आपका तो डेटर अकाउंट बन गया अब हम देखें यहाँ पर दो अकाउंट बनेंगे क्लास स्टूडेंट्स की डायसेंडिंग शेयर होल्डर्स का अकाउंट अलग से बनेगा और विलिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट अलग से बनेगा यानी आपको यहाँ पर सेपरेट करना होगा एंड क्लास अगर आपको याद ना समझ आए तो इसके शॉर्ट फॉर्म मैं बताता हूँ अगर आपको

राइट right? अब एक एक लाख में से डाइसेंटिंग कितने थे हज़ार थे पेड ऑफ वैल्यू कितनी थी फिफ्टी तो कितना हो गया फिफ्टी थाउजेंड तो वही अमाउंट है कम मैंने फिफ्टी थाउजेंड ठीक है अब उसके बाद हम रिजर्व एंड पी एंडल रिजर्व देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्यों बना ये रिजर्व एंड पी एंडल कितना दस लाख और पंद्रह लाख अच्छा ये दस लाख और पंद्रह लाख देखिए कि किसको मिलता है इक्विटी शेड्यूल्स को मिलता है अब सवाल उठता है कि इनका जो रिजर्व और पी एंडल है वो किसको मिलेगा सर इक्विटी शेडूल को हाँ बट मैं पूछ रहा हूँ कौन से इक्विटी शेडर्स को मिलेगा विलिंग इक्विटी शेडर्स को या फिर डायसेंटिंग शेडर्स को आंसर एस दोनों को मिलेगा क्योंकि दोनों होना हैं तो इसका मतलब ये अलग अलग अपने अपने प्रपोजल मिलेंगे ठीक है तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा दस हज़ारियाँ पाँच हजार यहाँ कैसा है यहाँ धनसा देखिए देखिए जर्न रिजर्व का अमाउंट कितना है दस लाख रुपये का है दस लाख रुपये का है अब ये कितने शेयर होल्डर्स पे है ये टोटल एक लाख शेयर होल्डर्स पे है मान लीजिए मुझे डायसेंटिंग का निकलना तो मैं वन थाउजेंड से मिल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा ये दस हज़ार रुपये का मेरे पास आ गया जनरल रिजर्व सेम फॉर पी एंड एल ठीक है इसके बाद आपको पता है कि डायसेंडिंग शेयर होल्डर्स की पेमेंट जो है बैंक के थ्रू हो रही है वो कौन कर रहा है क्या नाम है सेलर कंपनी तो लिखेंगे बैंक अकाउंट राइट ऐसे ही आपका देखिए शेयर शेयर इशू एक्सपेंस गिवन है तो उसको भी हम क्या करेंगे हम वन थाउजेंड अमाउंट लिख दिया मीनस एज क्या कहते हैं प्रोपोशनल के अकॉर्डिंग राइट right? टोटल करा हमने एटी वन थाउजेंड इसका बैलेंस यहाँ पर बैलेंस भी करा आपके रिलेशन अकाउंट ये आ गया आपका आपका पता है क्लास प्रिफेंशियल होल्डर का अकाउंट पहले क्लोज करते हैं ऐसे यहाँ पर डैसे शेयर होल्डर का हम अकाउंट पहले क्लोज करेंगे तो ये सिक्सटीन थाउजेंड जो है डेबिट में चला जाएगा आपका यहाँ पर ये आगे सोलह हजार यहाँ पे राइट अब हम आएंगे विलिंग शेयर होल्डर पे यहाँ पर देखिए ये रिमेनिंग आपके आ गए रिमेनिंग अमाउंट की जर्नलिजम रिमेनिंग पी एंडल रेमेनिंग अमाउंट आपका शेयर इश्यू एक्सपेंस इतनी पेमेंट उनको मिल रही है कहाँ से एनके लिमिटेड से तो बाकी कैसा चला गया रियालशन अकाउंट में और ऊपर अमाउंट रखते यहाँ पर ये आपका टेलीगर गया बस अब बैंक अकाउंट में आएगा बैंक अकाउंट में कितना था एक लाख रुपये थे किसके पास है ये सैलरी कंपनी के पास एक लाख रुपये बैलेंस से बचा हुआ है उसमें से अस्सी हज़ार किसको देंगे डायसेंटिंग देंग शेयर इक्विटी शेल्ड को

देन ट्रांसफर रिजर्व एंड सर्प्लेस टू बहुत शेयर होल्डर्स इन देर प्रपोर्शन भी हमने देख लिया एंड फर्स्ट क्लोज अकाउंट ऑफ डायल्डर्स वे भी हमने देख लिया राइट right? तो ये कुछ नॉर्म्स है वो आपको हमेशा याद रखने हैं राइट सो क्लास आइगेस आपको चेज़ समझ आ गया होगा तो देखिये हमने पहला केस कर लिया मीन कैश इज रिटेन बाई देंटर कंपनी अब हम इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम क्वेश्चन के साथ एंड क्वेश्चन क्लास काफी इंपॉर्टेंट है

वन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 60 पेड अप इन एक्सचेंज ऑफ एवरी टू शेयर्स इन पी लिमिटेड टू द होल्डर्स हु आर एग्री विद दिस स्कीम यानी कि पी लिमिटेड जो है वो शेयर इशू करेगी कौन सी कंपनी के ट्रांसफर कंपनी के शेयर होल्डर्स को शेयर इशू करेगी कौन से शेयर होल्डर्स की बात कर रही है जो बिलिंग है यानी दोस हु आर विद दिस स्कीम ऑफ एमलगमेशन तो कंपनी उनको शेयर इशू करेगी कितने शेयर इशू करेगी एक शेयर फॉर एवरी टू शेयर्स इन ट्रांसफरर कंपनी जिसकी फेस वैल्यू हंड्रेड होगी लेकिन पेडअप कितना अगले है शेयर होल्डर्स आर हु स्कीम उनको पे कितना, कर, कितना पे करेंगे रुपीज ट्वेंटी पर शेयर इन कैश के हिसाब से पे करेंगे एंड उनकी वैल्यू यानी वॉल्यूम कितना अब यहां पर देखते हैं टोटल इक्विटी शेयर यहाँ कितने हैं? पांच हजार हैं ध्यान से देखिए टोटल कितने हैं पांच हजार हैं चार सौ माइनस कर दो तो कितने रह गए फोर्टी सिक्स हंड्रेड गए कंपनी पे कर रही है वन इक्विटी शेयर ऑफ एवरी टू जिसकी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय सिक्सटी करके राइट और कंपनी जो है फोर हंड्रेड इक्विटी शेयर जो डैसेंटिंग है उनको बीस रुपये के हिसाब से जो है आठ हजार रुपये की पेमेंट करेगी राइट अब आप देख सकते हो तो क्लास ये जो डेटिंग शेयर की पेमेंट है आठ हजार वो कौन सी कंपनी कर रही है ट्रांसफर कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी आप देख सकते हो कहीं पर लिखा नहीं है कि यहाँ पर जो है जो ट्रांसफर कंपनी है उन्होंने अपने पास कैश रिटेन रखा है कहीं लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये पेमेंट कौन कर रहा है पी के लिमिटेड और देखिए सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है ना कि पी के लिमिटेड ही शेयर इशू कर रही है पी के लिमिटेड ही ये जो है उनको पेमेंट कर रही है

तो कंपनी उनको पेमेंट कैसे कर रही है कंपनी बोल रही है कि फिफ्टी परसेंट तो हम कैश में दे रहे हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट हम इक्विटी शेयर दे रहे हैं और बाकी के भूल जाओ दे ही नहीं रही पेमेंट देन सिक्स पॉइंट फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज वैल्यूड करी ट्वेंटी ट्वेंटी मोर वैल्यू मशीनरी रिड्यूस होगी थर्टी थ्री पॉइंट थ्री परसेंट से डेटर के लिए हमने जो प्रोविजन किया करता है टेन परसेंट के हिसाब से वैल्यू ऑफ़ द स्टॉक जो रिड्यूस होगी इतनी होगी पेटेंट्स की वैल्यू ही नहीं है एक्सपेंसेस कौन भी ये करे है करेगा वहाँ पर ट्रांसफरी कंपनी कितना है फाइव थाउजेंड चलिए सोल्यूशन देखते हैं वो। के, और पहले देखेंगे कितने देखिए पाँच हज़ार में से चार सौ निकाल दो फोर्टी सिक्स हंड्रेड या हाफ समा जाएगा आपका मल्टीप्लाई देख इक्विटी शेयर्स आपको पता है ये कौन पेमेंट कर रहा है इसकी पेमेंट भी जो ट्रांसफरी कंपनी कर रही है तो इसको हम भी इंक्लूड करेंगे कितने टोटल हैं चार सौ पेमेंट कितने कर रहे हैं बीस रुपये के हिसाब से टोटल पेमेंट होगी हो तो टोटल हो गया, अब हम बना रहे इंडिया ये किसकी बात हो रही है ट्रांसफर कंपनी की बात हो रही है पहले बात कर रहे हैं रिलेश सारा का सारा एज पर बुक वैल्यू प्लांट मशीन रही पेटेंट्स स्टॉक ट्रेड रिसिवेबल्स बैंक अकाउंट यहाँ पर मैंने पूरा बैंक अकाउंट लिखा है क्योंकि इस बात तो कोई रिजर्व तो रख नहीं रहे फिफ्टीन परसेंटेंचर दो लाख रुपए हो गए अनसिक्योर्ड लोन एक लाख ट्रेड पेपर डेढ़ लाख अदर करंट लाइबिटीज लाख तीस हज़ार डेटर से इतना अमाउंट मिल रहा है बस अब यहाँ तक आगे कुछ लिखना नहीं है अब हलेंगे पहले बनाएंगे डेटर का अकाउंट या कोई टू लाख टेंटी थाउजेंड प्रशर को डेढ़ लाख रुपये मिल रहे हैं बिलिंगी शेयर हेल्टर को बल लाख थर्टी एट थाउजेंड मिल डायसाइडिंग इक्विटी शेयर्स को आठ हज़ार मिल रहा है पहले हम जब डायसाइडिंग इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लोज करेंगे देखिए डेटर से कितना मिल रहा है आठ हज़ार रुपये टोटल देखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर यानी कि जो डायसाइडिंग थे कितने चार थे चार सौ रुपये दिए और पुरानी कंपनी में उनकी एक शेयर की वैल्यू कितनी थी सौ रुपये थी फुली पेड तो दैट मीन्स उनके पास चालीस हज़ार रुपये के शेयर्स उन्होंने होल्ड किए थे और नई कंपनी से यानी कि डेटर से कितने मिले आठ हज़ार मिले अब पी एंड में उनको लॉस भी गिवन था लॉस आपको पता था लॉस गिवन था आपको लॉस देखिए यहाँ पर कितना गिवन था आपको टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड तो ये प्रपोर्शन हो जाएगा कैसे किया मैंने टू लैख नाइन्टी फाइव थाउजेंड ये टोटल पाँच हज़ार शेयर पे था आप चार सौ शेयर पे निकाल लो तो आपके पास ये कितने आ जाएंगे जितनी वैल्यू आएगी ठीक है ये आपके आ जाएगा एटलीस टू ट्वेंटी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड राइट right? ये अमाउंट हो गया बस अकाउंट क्लोज करेंगे तो रिलेशन अकाउंट में कितना चला गया ये तो 8400 फोर हंड्रेड मैंने यहाँ लिख दिया अब पहले मैंने डेसा देंगे इक्विटी शेयर का अकाउंट क्लोज करा उसके बाद आप प्रिफरेंस पाएंगे इतने के प्रेफरेंसर होल्डर्स थे इतने डेटर से मिला बाकी रिलेशन पचास हज़ार वो मैंने यहाँ लिख दिया अब रिमेनिंग अकाउंट रहेगा आपका विलिंग इक्विटी शेयर होल्डर देखिए रेवेन्यू कितना रह गया पाँच हज़ार में से चार सौ उनके फुली पेड था ओल्ड कंपनी में कितना आ गया फोर लैख सिक्सटी थाउजेंड राइट अब डेटरस हमें इतना मिल रहा है पी एंडल यानी कि लॉस इतना बाढ़ दिया एज पर प्रोपोर्शनेट तो रिलेशन में कितना चला गया फिफ्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड बस वो मैंने यहाँ लिख दिया टोटल मैच हो गया आपका बैंक अकाउंट पे आपका बन गया अब बना रहे हम इन बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी बिजनेस परचेस अकाउंटेबल टू लिक्विडेटर लिक्विडेटर ऑफ़ पी लिमिटेड टू लाख नाइन्टी सिक्स थाउजेंड अब ये अमाउंट हमने सारे जो हैं किसपे लिखे हैं एज पर मार्केट वैल्यू राइट थ्री लाख नाइन्टी थाउजेंड स्टॉक डेटर बैंक इन डिपेंचर की पेमेंट देखिए कितनी हो रही है दो लाख की हो रही है अनसिक्योर्ड लोन एक लाख क्रेडिटर्स याद रखना मैंने कैसे लिखे थे यहाँ पर क्रेडिटर्स की देखिए पेमेंट कितनी थी डेढ़ लाख की थी राइट डेढ़ लाख में से देखिए टोटल उनको कितनी पेमेंट की जा रही है उनको सिर्फ पचहत्तर परसेंट ही पेमेंट की जा रही है बाकी तो पेमेंट कर रही तो मैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपको इंटरेस्ट कितना था तीस था बिजनेस पच्चेस टू लैख नाइन्स अब आपका बैलेंस फिगर आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व है आपका आपका ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसके बाद लिक्विडेटर्स टू पी लिमिटेड ऑफ पी लिमिटेड टू प्रेफरेंशियल होल्डर्स टू बिलिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू डेंटिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ये सब आपका हो गया देन डिवेंटर्स को और अकाउंटर्स को भी इक्विटी शेयर दे रहे हैं तो वो कितने हैं दो लाख और तीस हज़ार टोटल हो गया दो लाख तीस हज़ार क्रेडिटर्स को भी देखिए यहाँ पर पेमेंट की कितनी कितनी जा रही है टोटल इतनी पेमेंट की जा रही है जिसमें से इक्विटी चल इतने हैं और बैंक में इतने हैं राइट देन प्रीमियम एक्सपेंसेस जो बी करेगा कौन बी करेगा यहाँ पर परचेजिंग कंपनी तो वो कैसे पे करेगी थ्रू कैपिटल रिजर्व क्यों क्योंकि सेकेंड इंटर में बैलेंसिंग फिगर आपकी कैपिटल रिजर्व के फॉर्म में आ रही है तो ये एंट्री होगी आपकी इसके नॉर्म्स देखिए यहाँ पर वैन एंटायर पेमेंट इज मेड बाय बाई कंपनी, राइट तो इसके भी क्या होगा परचेज कंसेशन शेयर होल्डर्स एज वेल प्रिपेयर शेयर होल्डर्स दैन फर्स्ट क्लोज होल्डर्स सेम है बाकी दो राइट सो ये था आपका क्लास टॉपिक दैट इज कॉल्ड डायसेंडिंग uh, इक्विटी होल्डर्स कौन होते हैं उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है राइट right? So, class, with this, uh, I have finished the chapter that is amalgamation. I hope you have understood very well. Thank you.